You are going to watch the part of a live training session on a subject, Get Sure Success in Export-Import Business in 2 weeks. To attend the full training session, or in-house corporate training on various technical subjects of export-import, please call at 913-620-0001, or visit the website www.allaboutexim.com. So, इनके problem statement क्या हो सकते हैं? It's a very challenging finding the winning product. ये मैंने जितने भी session किए हैं, उसमें सबसे बड़ा question है ये. Even the Kavita, you are also struggling as of now कि किस product में जाना चाहिए. Problem क्या है? मेरे साथ भी ऐसा आता है कि और product को लेकर नहीं. ये एक human mentality हमारी है. जब हम किसी काम को start करते हैं या कोई mind में plan चलता है, concept चलता है. तो वो कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड होता रहता है. हम अपने कलीग से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, किसी आर्टिकल में देख लिया, यू स्टोरी का आ गया कि दीज आर द 15 प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, तो हम डाइवर्ट होते रहते हैं. वो सबसे सबसे बड़ा रीजन है हम प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाते. उस तक पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है यू मे हैंडल इजिली द वेंडर्स, बिकॉज फाइंडिंग द प्रोडक्ट पॉसिबली क्या भूल ले, इट्स ए इजी टास्क, बट हैंडलिंग द वेंडर्स ऑल्सो इट्स अ टफ टास्क. देर आर सो स्मार्ट वेंडर्स अवेलेबल इन आर कंट्री इवन द वर्ल्ड, यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं होगा. तो प्रोडक्ट को आप वही चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. इंटरेस्ट का मतलब, जैसे मुझे मैथ नहीं पसंद, तो मैं मैथ का सॉल्व जो पेपर होता है ना, वो गाइड, वो भी नहीं देखना पसंद करूंगा. क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके आंसर भी दिए हैं, बट पॉसिबली उस बुक्स होते हैं, गाइड्स आता है, मैं साथ उसे भी देखना ना पसंद करूंगा, बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो जिस प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसका फर्दर ड्रिल डाउन भी नहीं जाऊंगा, उसको डिगिंग भी नहीं करूंगा नीचे तक. तो इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें. अगर आप इंजीनियर नहीं है तो टेक्निकल प्रोडक्ट तो बिल्कुल ना चूज करें. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, फाइंडिंग टारगेट मार्केट. देन अगर आपने टारगेट मार्केट को फाइंड कर लिया प्रोडक्ट को, तो टारगेट मार्केट आपको ढूंढना है. कनेक्टिंग विद द रियल बायर्स, मार्केट ढूंढने के बाद रियल बायर के साथ कनेक्ट होना है. देन सिक्योरिंग द सप्लाई बेस. बायर्स से कनेक्ट होने से पहले की एक्टिविटी है, इसमें ऐसे आ रहा है, बट इट इज द फर्स्ट एक्टिविटी. अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है तो पॉसिबली सेकेंड एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको इसकी सप्लाई भी सिक्योर करनी है, कि आप इस प्रोडक्ट को कहां से प्रोक्योर करेंगे और इसे कैसे स्टोरेज करेंगे, स्टोर कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा. देन कम्युनिकेटिंग वेल, कैसे आप उनसे बात करेंगे अपने बायर के साथ, नॉट ओनली द बायर, फ्रॉम द विद द वेंडर ऑल्सो, वेंडर के साथ भी. अगर आपके प्रिसाइज वे में कम्युनिकेशन नहीं है तो वेंडर आपको वेटेज नहीं देगा. उसके पास बहुत सारी क्वेरी वेंडर के पास भी आती है. सिक्योरिंग पेमेंट एंड इंपोर्ट सप्लाईज एंड ओटीएफ डिलीवरीज एंड सीआरएम. यू नो द ओटीएफ, आई ऑलरेडी टोल्ड द फुल फॉर्म ओटीआईएफ. ओटीएफ, We are residing in the automotive hub. हम लोग जितने लोग गुड़गांव में रहते हैं, ऑलमोस्ट तो ऑटोमोटिव हब ही है. ऑटो इंसलरीज है यहाँ, फरीदाबाद, दिल्ली, सब मिलाकर वही है मैक्सिमम. ओटिफ का मतलब होता है, दिस इज द SCM वर्ड, ऑन टाइम इन फुल. ऑन टाइम इन फुल अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है. दैट मीन्स कि आप जब सप्लाई करें तो अपने बायर को ये एक्सक्यूज ना दें, सॉरी सर 10 पीस रह गया था, अगले शिपमेंट में ऐड कर दूंगा. इट इज नॉट ओटीएफ. मे बी द एमएनसीज आर क्रिएटिंग अ रेटिंग फॉर यू. इट इज इजी टू फाइंड अ बायर, बट इट इज टफ टू सस्टेन देयर. अगर आपके टाइम से डिलीवरीज नहीं है, टाइम आप फुल डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, सीआरएम आपका प्रॉपर नहीं है, तो बायर आपको रेटिंग देता है, वेंडर रेटिंग्स आती है. अगर वो रेटिंग डाउन है तो आपको एलिमिनेट कर देंगे.
इंपॉर्टेंट है. 2 weeks strategic plan. Now it is divided into the 2 weeks. We have designed in 12 days. Week 1. Unfortunately, speaks में Sunday तो है week में, but हम Sunday rest लेंगे, काम नहीं करेंगे. एक दिन तो हमें चाहिए. Okay. So हम day 1 देखते हैं. Day 1 it's Monday. Monday से start करते हैं. Here you have to decide choosing the type of business for you. This is your first day. Let's say you are the layman and you want to start the business. So you have to decide in which type of business you want to go. वो क्या हो सकता है? Selection of business for physical export. Either you choose being as a manufacturer exporter, आप या तो manufacturer exporter बने, या दूसरा रास्ता है आपके पास merchant exporter का. ठीक है, दोनों में difference पता ही है सबको. आपको यहां पे केवल एक plant नहीं डालनी है, आप यहां पे decide ऐसे कर सकते हैं कि you may also acquire a company और premises for the job work. There is no need कि आप land खरीदें, establishment करें, फिर आप commencement करें, erection commissioning करें. No, there are so many companies available, their capacity is not full. You may also hire them according to your product. आप उनको hire करें, job work करें वहाँ पे और start कर सकते हैं. But again, your entity will be manufacturer exporter, not a merchant, क्योंकि आप amount to manufacture कर रहे हैं. दूसरा है मर्चेंट एक्सपोर्टर, ये इनसे ही खरीद लेते हैं और फर्दर सेल कर देते हैं. द इजिएस्ट वे इज टू बी हियर, सबसे आसान तरीका है ये. यहां पर प्रोडक्ट लाइन फ्रीज हो जाती है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर में, यहां पे ओपन होता है. अपने अम्ब्रेला में आप मल्टीपल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, फ्री है चूज करने के लिए. So manufacturer exporter क्या करता है? They will buy the inputs, that is raw material, semi-finished goods. इसे manufacture करेगा, process करेगा, and then export to other countries. Merchant exporter भी raw material खरीदता है. इसको खरीदना चाहिए? नहीं? खरीदना चाहिए trader को? हाँ, रॉ मटेरियल की सेल होता है. और कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर भी रॉ मटेरियल परचेज करे? जॉब वर्क करवा सकता है. यस, हो सकता है कि रॉ उस मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक ऐसा प्रोडक्ट मिला हो जिसके स्पेशलाइजेशन के लिए जिस मैन्युफैक्चरर को उसने हायर किया हो और इंडिया में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो. सो मैन्युफैक्चरर ये कह सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द रॉ मटेरियल, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट इंक्रीज माई हेडक, you have to please buy the raw material and give it to me, I will process. तो वो raw material process कर सकता है और government उसको buy कर सकता है. Government उसको permission भी merchant exporter को दी हुई है कि वो licenses में raw material को खरीद सकता है. उसे अपने और manufacturer exporter के बीच में, manufacturer के बीच में agreement show करना पड़ेगा कि मैंने इनको hire किया हुआ है और यहां पे process होगा. Export to other countries and then like manufacturer export to wali kar dega. You are watching the part of a live training session on a subject, get sure success in export import business in 2 weeks. Stay tuned with Mr. Nand for more video tutorials on this subject. To attend the full training session or in-house corporate training on various technical subjects of export import, please call at 913-620-0001 or visit the website www.allaboutixom.com.